नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है 10 शहरों के 10 बड़ी खबरों की, और सबसे पहले हम बात करेंगे गलवान घाटी और चीन की, जहां चीन दुनिया भर में अपने पड़ोसियों से दुश्मनी लेने का ठेका ले रखा है। जी हाँ, पहले तो भारत के साथ चीन का ये मामला चल रहा था, जिस प्रकार से भारत चीन विवाद हो रखा है, और भारत चीन अप्रैल से भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारतीय सेना ने रोक रखा है और पिछले जगह पर जाने के लिए कह रहा है। इस बीच चीन ने आधिकारिक तौर पर पहली बार ये स्वीकार किया है कि उसका भूटान के साथ भी पूर्वी इलाके में विवाद चल रहा है। चीन का यही स्वीकारोक्ति भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भूटान की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब चीन सीमा विवाद का दावा कर रहा है। चीन ने कहा है उसका भूटान के साथ कभी सीमा विवाद सुलझा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन का तमाम पड़ोसियों के साथ ऐसे ही रवैया रहा है, और इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विस्तारवाद सोच रखने वालों की अंत हो जाती है, वो मिट जाता है। तो अब चीन के मिटने का समय आ चुका है। अयोध्या में आज गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाया गया, हालांकि ये सांकेतिक था। आज ही के दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की भी 15वीं वर्षी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि परिसर पर फिदायिनी हमला किया गया था, जिसमें सभी पांचों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। आज गुरु पूर्णिमा है, इसको देखते हुए पूरा प्रभावित पुलिस प्रबंध किया गया है, और अयोध्या के बाहर बाहर जितने बैरियर वाले पॉइंट हैं वहाँ पर पूरा पुलिस बल है, चेकिंग की जा रही है, और ये व्यवस्था बनाई गई है कि कोई अनावश्यक समूह या भीड़ जो है ना प्रवेश करे। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गया, जिसमें एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो भागने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी मथुरा का एटीएम लुटेरा शहरुख के नाम से जाना जाता है, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। इसके पास से कार, एटीएम लूटने वाले उपकरण सहित कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई है। मध्य प्रदेश के नौगांव नगर के नेशनल हाईवे रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास भट कृषि बीज भंडार पर प्रशासन द्वारा छापेमारी कर कार्रवाई की गई, जिससे नगर के बीज भंडार की दुकानों में हड़कंप मच गया है। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। प्रशासन को भट कृषि भंडार से काफी मात्रा में 14 प्रकार के एक्सपायरी डेट की कीटनाशक दवाएं मिली है। देखिए, यहाँ पर जो नौगांव में भट कृषि भंडार पर जो एक सामान्य निरीक्षण होता है वो किया गया है, उसके तहत है जो पेस्टिसाइड कुछ एक्सपायरी डेट के बरामद हुए हैं। ठीक है, जो पेस्टिसाइड बरामद हुए हैं वो 14 प्रकार के हुए हैं, और उसकी जानकारी हम अपने जिलाधिकारी को दे रहे हैं, और उसके बाद कलेक्टर साहब को सूचना जाएगी, उसके बाद वो FIR का आर्डर करेंगे, उसके बाद FIR की कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज नौगांव में भट कृषि बीज भंडार पर कृषि विभाग के SDO, तहसीलदार, थाना प्रभारी, हमारे अन्य साथियों के साथ में यहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कीटनाशक दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की अधिक मात्रा में मिली है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। आपके यहाँ से एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ बरामद हुई हैं? बिल्कुल निस्संदेह मिली है। हमारे कबाड़ के गोदाम में, जहाँ पर हम बेचने के लिए मना दवाइयाँ रखते हैं, वहाँ एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ रखी थी। चूँकि हमारा जो व्यापार है वो कीटनाशक दवाओं का व्यापार है, हम बिना विशेषज्ञ की देख रेख के उन दवाओं को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हमें विभाग से कभी भी किसी प्रकार का कोई आदेश या अनुरोध नहीं मिला कि इनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए।